हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश वैद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता, विभवांतर, प्रकाश की आवृत्ति, इन सब चीज़ों पर किस तरीके से निर्भर करती है, या इन सब के मान में कोई परिवर्तन करने पर क्या प्रकाश धारा पर कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। आज इसी के बारे में हम लोग प्रायोगिक अध्ययन करेंगे, यानी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया जाएगा। इसमें कुछ अलग देखने को मिलेगा। जैसे अभी तक जो चीज़ें हम पढ़ते आए हैं कि जब हम किसी इस तरीके से कोई हमारा उपकरण होता है, ठीक है, एक कांच की निर्वातित नली होती है जिसमें हमारे दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक कैथोड, दूसरा जो है एनोड होता है, और इस पर जब कोई प्रकाश हम डालते हैं तो इस कैथोड से क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जब यहाँ से शुरू होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड तक पहुँचते हैं, तो जिसके परिणाम स्वरूप परिपथ में एक धारा बहने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश धारा कहते हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, और इन्हीं प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की वजह से परिपथ में प्रकाश धारा मिल रही है, ठीक है। तो इस प्रकाश धारा पर ये जो प्रकाश बाहर से डाली जा रही है, इस प्रकार की प्रकाश की तीव्रता पर क्या फर्क पड़ता है। अगर हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दें तो क्या इसमें जो मिलने वाली प्रकाश धारा है उसके मान में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ पे जो इसके बीच हमने विभव लगाया है, विभवांतर का मान हम बढ़ा देते हैं, तब क्या होता है। तो ये सारी घटनाएं जो है इस में आज हमको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए टॉपिक के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम आपको ज़्यादा जो है बहुत पीछे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक की सारी घटनाएं आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। लगभग दो लेक्चर में आपको ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि यहाँ से प्रकाश धारा किस तरीके से उत्पन्न होती है, ठीक है। लाइट आई, इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे, ठीक है, ये घटना। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ नया देखने को मिल रहा है। यहाँ पर विभव विभाजक, दिक धारा परिवर्तन, बैटरी, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा इसमें नया टर्म्स जुड़ा है, तो पहले इसको जान लेते हैं। मन में इच्छा हो रही होगी कि सर जो है अभी तक फिगर में तो सिर्फ इतना ही था, नीचे की चीजें नहीं थी, ये नीचे की चीजें एक्स्ट्रा कहां से आ गई, थोड़ा सा समझ लो। इसमें क्या है, विभव विभाजक, यानी हम विभव विभाजक का प्रयोग यहां पर इसलिए कर रहे हैं कि विभव विभाजक हमारा क्या करेगा कि जो हमारा ये होगा, ठीक है, जो पॉइंट हमारा ये ए और सी है, ठीक है, नहीं ये कैथोड है तो इसको सी से डिनोट करेंगे, एनोड को ए से। तो ए और सी के बीच जो विभवांतर है, इस विभवांतर को हम जो है कम ज्यादा कर सकते हैं इस विभव विभाजक की सहायता से। इस विभव विभाजक के टर्म को अगर हम इधर करेंगे तो विभव हमारा घटेगा, इधर करेंगे तो विभव बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको इधर उधर दाएं बाएं खिसकाकर हम यहां पर विभव जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। दूसरी चीज, दिक धारा परिवर्तन यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे इसको हम स्विच करके इसको पॉजिटिव बनाया है, इसको निगेटिव बना सकते हैं, इसको पॉजिटिव बना सकते हैं, इसको स्विच करके इसको जो है पॉजिटिव बना सकते हैं, इसको निगेटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दिक धारा परिवर्तन का काम है कि ये जो हमारे दोनों प्लेटें लगी हुई हैं, इन प्लेटों का विभवांतर जो है हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट में इतना हम जानते हैं कि जो हमारा सिरा ए है ये हमेशा सी के अपेक्षा धन विभव पर होता है, क्योंकि अगर ये धन विभव पर नहीं होगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है और ये माइनस चार्ज पॉजिटिव की तरफ ही जो है आकर्षित होता है, इसके कारण इसको अगर हमें प्रकाश धारा चाहिए तो इसे पॉजिटिव रखना होगा, ठीक है। तो चलिए पहली हेडिंग डालते हैं, प्रकाश धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, ठीक है। तो पहले हेडिंग लगाइए स्टूडेंट, प्रकाश धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। अब देखिए इसको थोड़ा भाई ग्राफ समझते हैं, ठीक है, ग्राफ के मेथड से समझते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो धारा कुछ इस तरीके से मिलती है,
प्रकाश धारा, ठीक है, संतृप्त धारा। अभी समझा रहा हूं कि ये है क्या। थोड़ा सा नोट कर लीजिए, अभी हम समझा रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीजें हैं, क्या नया टर्म लिया गया है। चलिए देखिए, इतना कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो प्रकाश हम बाहर से इस प्लेट पर डाल रहे हैं, ये प्रकाश क्या कर रही है कि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने का काम कर रही है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरी बात, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस एनोड पर यानी पॉजिटिव प्लेट पर पहुंचती है तो हमें परिपथ में जो है एक प्रकाश धारा मिलने लगती है। अब ये प्रकाश धारा थोड़ा सा यहां देखो, अगर इसके विभव को हम क्या करें, बढ़ाते जाएं यानी इसको पॉजिटिव से और ज्यादा पॉजिटिव करते जाएं, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। यानी ये जब ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा। अब जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस पर अट्रैक्ट होंगे तो इस पर क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने की वजह से परिपथ में जो बहने वाली प्रकाश धारा है उसका मान मैक्सिमम हो जाएगा। और लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि विभव का मान बढ़ाते बढ़ाते हम चाहे जितना विभव का मान बढ़ा दें, यहां से जितनी भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जितने प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जब सारे के सारे इस पर पहुंच जा रहे हैं, जैसे मान लो यहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और विभवांतर हम 10 वोल्ट बढ़ा देते हैं कि 10 वोल्ट पर ये सारे 10 इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच जा रहे हैं, तो अब 10 की जगह अगर हम 20 कर देंगे विभव का मान, तो अब इलेक्ट्रॉन तो यहां से 10 ही निकले हैं, तो 10 की जगह 20 तो पहुंचेंगे नहीं ना, 20 नहीं पहुंचेंगे ना। विभव भले हम 10 से 20 30 40 50 60 कुछ भी कर दें, यहां से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है जितने निकलने वही उतने पहुंचेंगे, यानी पूरे पूरे पहुंच जा रहे हैं। तो जब पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहे हैं तो जितनी धारा 10 वोल्ट पर मिल रही उतनी धारा 20 वोल्ट पर मिलेगी, उतनी धारा 30 वोल्ट पर मिलेगी। यानी वोल्टेज हम बढ़ा ले रहे हैं लेकिन धारा के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा, धारा बिल्कुल क्या हो जा रही, कॉन्स्टेंट हो जा रही, क्या हो जा रही, कॉन्स्टेंट हो जा रही है। तो यानी ऐसी कंडीशन में जब धारा कांस्टेंट हो जाती है तो उसे हम कहते हैं संतृप्त धारा। यहाँ पे देखो क्या है कि धीरे धीरे वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ जा रही है कि फिर धारा हमारी क्या हो जा रही, कांस्टेंट हो जा रही है। लेकिन अगर इसका विभव हम घटाने लगे, विभव क्या करें घटा दें, मान लो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ से वोल्टेज हमने जो है इसका कम करके 5 वोल्ट कर दिया, तो जब 5 वोल्ट कर दिया तो यहाँ से निकलने वाले 10 इलेक्ट्रॉन में से 5 इलेक्ट्रॉन पहुँचे 5 नहीं पहुँचे, 5 पहुँचे 5 नहीं पहुँचे, तो जब 5 पहुँचे और 5 नहीं पहुँचे तो धारा का मान घट जाएगा ना। तो देखिए भाई विभवांतर यानी विभव का मान जैसे आप निगेटिव करते जाएंगे, यानी इस डायरेक्शन में जब आप पोटेंशियल को बढ़ाएंगे निगेटिव डायरेक्शन में, तो धारा आपकी घटने लगेगी। एक ऐसी कंडीशन आएगी अगर हम इसका विभवांतर का मान क्या करें, शून्य भी कर दें, ठीक है, अगर हम विभव का मान क्या करें शून्य कर दें, तो शून्य की स्थिति में भी कुछ ना कुछ ऐसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन हैं जो प्लेट तक पहुंच जा रहे हैं, और जब प्लेट तक पहुंच जा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में भी हमें परिपथ में कुछ ना कुछ धारा मिल रही है, कुछ ना कुछ क्या हो रही है, धारा हमको मिल रही है। तो जब कुछ ना कुछ धारा हमको मिलेगी, ठीक है, तो जब कुछ ना कुछ धारा हमको मिलेगी तो ऐसी कंडीशन में भी क्या है हमको प्रकाश धारा मिलेगा। दूसरी खास बात, जब हम इसको ऋणात्मक कर देंगे निगेटिव कर देंगे तो ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव दोनों के भी प्रकर्षण बल लगेगा, यानी कुछ भी जो है पहुंचेगा नहीं, ठीक है, कुछ भी यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, तो ऐसी कंडीशन में धारा शून्य हो जा रही है। और जिस ऋणात्मक विभव पर प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है उस ऋणात्मक विभव को निरोधी विभव कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हेडिंग हमने डलवाया था प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, तो प्रकाश की तीव्रता से हटकर थोड़ा सा हम आपको विभव के बारे में लगे थे समझाने, चलिए वापस प्रकाश की तीव्रता पर आ जाते हैं। तो देखिए
अगर हम प्रकाश की तीव्रता, जो प्रकाश की तीव्रता मान लो आई प्रकाश की तीव्रता इस पर जो है हम डाल रहे हैं आई प्रकाश की तीव्रता, तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये हमको धारा मिल रही है। दूसरी कंडीशन में अगर हम तीव्रता को डबल कर दे रहे हैं, ठीक है, तीव्रता डबल होने का मतलब जैसे एक सेकंड में यहां से प्रकाश 10 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रही है, तो अब तीव्रता डबल कर दें तो उसी एक सेकंड में ये प्रकाश यहां से 20 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी। कितने करेगी? 20 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी। तो अब जब 20 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी तो परिपथ में 10 की जगह अचानक 20 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो धारा हमारी क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे देखो स्टूडेंट शो किया गया है, ठीक है। जब तीव्रता आई थी तो प्रकाश धारा ये थी, तीव्रता डबल कर दिए तो प्रकाश धारा यानी संतृप्त धारा का भी मान बढ़ गया, तीव्रता 3 गुना कर दिए तो और भी बढ़ गया। तो यानी कहने का मतलब प्रकाश धारा IS ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तीव्रता के। तो क्या लिख सकते हैं? प्रकाश धारा का मान आपतित प्रकाश तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। और तुरंत ये फिगर बनाएंगे और ये एक लाइन लिखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरी चीज समझते हैं, प्रकाश धारा पर, दूसरा हेडिंग डालिए, प्रकाश धारा पर प्रकाश विभव का प्रभाव या विभवांतर का प्रभाव, ठीक है। तो प्रकाश धारा पर विभवांतर क्या का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसा कि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पूरा फुल एक्सप्लेन किया था, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था कि अगर यहाँ पर हम विभव का मान क्या करें, बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी कंडीशन मिल जाएगी कि विभव का मान हम कितना भी बढ़ा दें हमको धारा के मान में कोई भी वृद्धि नहीं होगी, यानी धारा हमारी कॉन्स्टेंट हो जाती है। और वहीं पर अगर विभव हम घटाते जाएँ तो धारा का मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि धारा एक ऐसी ऋणात्मक वैल्यू आएगी विभव का कि जिस पर प्रकाश धारा शून्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें मिलने वाली प्रकाश धारा जो है वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। और इसी को हम क्या कहते हैं? निरोधी विभव कहते हैं। ओके, चलिए तो दूसरा कारण समझ में आ गया। चलिए तीसरी हेडिंग डालते हैं, प्रकाश धारा पर आवृत्ति का प्रभाव, प्रकाश धारा पर आवृत्ति का प्रभाव, ठीक है। तो देखते हैं प्रकाश धारा पर आवृत्ति क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम जो ये आपतित प्रकाश है इसकी तीव्रता को फिक्स कर दें, इसकी तीव्रता को क्या करें? फिक्स कर दें और इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, इसकी क्या करें? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, तो अलग 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 प्रकाश की तीव्रता के लिए ये निरोधी विभव का मान अलग अलग होगा, ठीक है। अलग अलग प्रकाश की तीव्रता के लिए निरोधी विभव का मान अलग अलग होगा। थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं, ठीक है, अदरवाइज आपको थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, डिटेल में नहीं जाएंगे तो आप कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा इसे डिटेल में लेते हैं। चलिए देखिए, ये मान लिया हमने, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स छोड़िए, ये हमारा क्या है? विभवांतर वाला है और ये करंट वाला है, ठीक है। इस पे हमने प्रकाश धारा ले लिया, क्या लिया है? प्रकाश धारा। और इधर हमने क्या ले लिया है? विभवांतर लिया हुआ, ठीक है। इधर हमने लिया हुआ विभवांतर और इधर ले लिया हमने प्रकाश धारा, ठीक है। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, इसमें होता क्या है कि जब हम मान लेते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, कोई एक फ्रीक्वेंसी लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू वन है। तो न्यू वन फ्रीक्वेंसी की अगर हम प्रकाश इस पर डाल रहे हैं तो न्यू वन फ्रीक्वेंसी यानी अब उसकी आवृत्ति जो है वो अलग है, ठीक है। तो न्यू वन फ्रीक्वेंसी वाले आवृत्ति का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है यानी कि निरोधी विभव है वो मान लो यहां पर है, इस पॉइंट पर मिल रहा है, इसके लिए हमारा -B01 पर मिल रहा। तो अब यहां पे आवृत्ति के केस में केवल हमारा क्या होगा?
निरोधी विभव का मान बदलता है, किसका मान बदलता है, निरोधी विभव का मान बदलता है, बाकी सारे वैल्यू हमारे सेम होते हैं। ठीक है, यहां से जब प्रकाश धारा उत्सर्जित होती है तो यानी संतृप्त धारा मिल रही वो भी ऐसे ही मिलेगी। अगर हम न्यू टू फ्रीक्वेंसी की कोई प्रकाश डालते हैं इस और इसका जो निरोधी विभव है वो ये है, यहाँ से जो प्रकाश धारा मिलेगी वो भी जो है कुछ इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, और आगे जाकर ये भी इसी में जो है मिल जाएगी। तीसरी देखी जाए न्यू थ्री माइनस, ठीक है तो ये थ्री पर है तो इसको अगर देखा जाए तो ये भी जाके इसी में मिल जाएगी। ये हमारी संतृप्त धारा है। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यहां से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अगर हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति को क्या करें, आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा दें तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन पर प्रभाव पड़ता है, जबकि जबकि धारा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यानी संतृप्त धारा कहने का मतलब प्रकाश धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ फर्क कहां पर पड़ता है, निरोधी विभव पर यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। अलग अलग प्रकाश की अलग अलग तीव्रता के लिए निरोधी विभव का मान अलग अलग होता है। ठीक है, तो यह कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आया कि अलग अलग आवृत्ति के लिए निरोधी विभव का मान अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें ऐसी थी जिस पर प्रकाश धारा जो है पूरी तरीके से डिपेंड करता था। एक और चीज है पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर, यानी यहां पर जो हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं अगर ये ऐसे किसी पदार्थ का ले लिया जाए जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ज्यादा होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ज्यादा हो सके, तो ऐसी कंडीशन में प्रकाश धारा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सीधे सीधे यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश यानी प्रकाश धारा जो है वो प्लेटों के प्रकृति पर निर्भर करती है। चौथा पॉइंट क्या निकला, प्रकाश धारा प्लेटों की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये चार पॉइंट हैं जिस पर हमारी प्रकाश धारा जो है पूरी तरीके से डिपेंड करती है, और इसको जो है लेनार्ड ने अपने प्रयोग में करके देखा था। यही था हमारा प्रकाश धारा का प्रायोगिक अध्ययन। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद एक दो लेक्चर और होगा और उसके बाद ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो स्टूडेंट आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं स्टूडेंट एक प्यारा सा सभी लोग लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लें जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।